बोल फसल नहीं आ रही है। आज एक लंबी सुनवाई हुई, क्या कुछ कोर्ट में अंदर आपसे सवाल पूछे गए, क्या आपका जवाब रहा? मैं भारतीय कानून को वेदों की तरह मानती हूँ, अदालत को मंदिर और उसमें बैठे हुए जज को भगवान का रूप मानती हूँ। उनके सामने हमने जो बातें कही हैं उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि सारी बातों पर फैसले आने बाकी हैं। इसलिए जो अंदर जो मामला चला है उसके बारे में मुझे कोई अपने बयानों के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये बहुत लंबी लड़ाई चली है 500 साल। शायद ही संसार का कोई अभियान ऐसा रहा हो जो 5 शताब्दियां पार किया हो, और उन 5 शताब्दियों के समय पर वो बढ़ता ही गया हो, और अंत में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उस निर्णय को भारतवासियों ने जिस प्रकार से स्वीकार किया उससे भारत की छवि दुनिया में बहुत उज्ज्वल हुई। क्योंकि भारत के बारे में ये माना जाता था कि यहाँ रिलीजियस डिवाइड रहता है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो यूनिटी दिखी थी उस फैसले को स्वीकार करने में, वो भारत के लिए एक गौरवशाली परंपरा कायम फिर से हुई है। और इसलिए अदालत अयोध्या के विषय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारत के नागरों के द्वारा जिस प्रकार से स्वीकार किया गया, और ये 500 साल के अभियान का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ जो एक शानदार समारोह हुआ जिसमें पूरा देश एकजुट होकर के उस फैसले को सुना, ये बात ऐसी अभिभूत करने वाली है कि हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। और जहाँ तक हम लोग हैं, मैं हूँ, तो हम तो राम भक्त हैं, और राम भक्तों पर राम पर सबकी आस्था है, हमारी भी है, और एक आस्था के भाव से इसका कोई राजनीतिक लाभ हमें कभी मिलेगा, क्योंकि मैं तो दूसरे समय की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। जब मैं चुनाव जब मैं अभियान में भाग ली तो मैं सेकंड टर्म की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, और इसलिए एक पूर्ण आस्था के साथ एक राम भक्ति का भाव था जिसके कारण मैंने इस अभियान में भागीदारी की थी। और इसके लिए मैं अपने आप को हमेशा गौरवशाली मानूंगी, अपने हमेशा मैं इस बात पर गौरव करूंगी कि मैंने इस अभियान में भाग लिया था। मैं इस विषय में जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि कानून हमारे लिए नए वेद हैं, कानून और संविधान, अदालत हमारे लिए मंदिर है, और बैठे हुए जज हमारे लिए भगवान का रूप है। वहाँ जो कुछ हुआ उस पर मैं टिप्पणी बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश मंत्री सर, अंदर जो सुनवाई हुई है, क्या कुछ अंदर सुनवाई हुई, क्या कुछ बयान दिया उमा जी ने? आज जो है प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज होने के बाद जो साक्ष्य आई थी उसके आधार पर मूल्यमान से जो है जाप्ता फौजदारी की दफा 313 के तहत प्रश्न पूछे गए कि जो साक्ष्य ये प्रोसिक्यूशन ने आपके विरुद्ध दिया है इसकी सत्यता क्या है। उमा जी ने इनकार किया, अपनी भूमिका से इनकार कर दिया उन्होंने, और क्या, जो उनकी भूमिका थी ही नहीं, जो षड्यंत्र उनके विरुद्ध था उसको इनकार करना ही था। वो तो हमेशा चार्जशीट में नाम था उनका, आरोप पत्र में नाम था तो गलत था। नहीं नहीं, सबूत और तथ्य नहीं पेश किए गए, उसी का तो ट्रायल हो रहा है ना, तो जो तथ्य पेश किए गए उसको इनकार किया उन्होंने। यानी सरल लैंग्वेज में पूछे, उमा जी ने बाबरी विध्वंस मामले में अपना कोई रोल होने से इनकार किया है जी?